चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इसके लिए जब हमें रखा गया तो क्वालिफाइड है उसके लिए, तो क्यों ना हमें नियमित कर दिया जाए। तो सैलरी कम होने की वजह से वो आर्थिक भी कमजोर ही रहेगी, तो हमारा परिवार भी टूट रहा है इस नौकरी में। पहली मांग है कि हमें नियमित किया जाए। जो 20-20 साल से आप जॉब कर रहे हैं तो हम क्वालिफाइड तो हैं इसके लिए, जब हमें रखा गया तो हम क्वालिफाइड हैं उसके लिए, तो क्यों ना हमें नियमित कर दिया जाए। चलो जब तक गवर्नमेंट नियमित नहीं कर रही है उसके लिए प्रोसेस लंबा है, तो हमें लगभग इतनी सैलरी तो दे दे, हमारे साथी जो बराबर वाले परमानेंट ले रहे हैं उतनी साथी हमें मिलती रहे सैलरी काम कर रहे, क्योंकि हम भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं। दूसरा, हमारे एक राज्य में हरियाणा राज्य में जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है ये काम पहले से हो चुका है, वहाँ पे सातवें वेतन आयोग का लाभ भी मिल रहा है वहाँ के कर्मचारियों को, तो क्यों ना यहाँ भी हो जाए काम, क्योंकि यहाँ भी गवर्नमेंट भाजपा की है। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि हमारे कुछ साथी आउटसोर्स से रखे होते हैं हमारे विभाग में, तो आउटसोर्स वालों को क्या होता है कि कंपनी के द्वारा रखा जाता है, आपको पता होगा शायद इसके बारे में, तो उसमें उनका जो नियत मानदेय होता है उसमें भी थोड़ी कटौती कर लेते हैं और पूरे मानदेय नहीं भी मिल पाता, तो उनका डबल शोषण होता है, हमारे से भी ज़्यादा शोषण हो रहा है उनका। तो उन्हें जो है DHS के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है उसके माध्यम से रख लिया जाए, तो उनकी जो सैलरी नियत रखी गई है कम से कम उन्हें पूरी मिलती रहे। हमारे हर स्तर पे डॉक्टर भी, पैरामेडिकल्स भी और ANM बहन जी हैं, वो मतलब कि बिल्कुल लगातार उसी दिन से वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी कर रहे हैं, या उससे पहले कोविड पेशेंट थे जो उनको को शिफ्ट भी कर रहे थे। हमें एक उपाधि दी गई थी कोरोना वॉरियर्स की, वो वॉरियर्स ने बहुत अच्छे ढंग से उस कार्यक्रम को किया, बहुत ही जिम्मेदारी से उस कार्यक्रम को किया, लेकिन वो अब आहत हो चुके हैं और एनर्जी भी उनकी सारी ड्रेन आउट हो चुकी है। तो अगर सरकार ने उनको वादा किया था, सरकार में बैठे लोगों ने वादा किया था कि हम आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, तो अब ये दायित्व उन लोगों का बनता है कि वो इस पे संज्ञान लें और इसको तुरंत प्रभाव से लागू करें। काम भी हम इसे लेना और दोगला व्यवहार भी हमारे साथ ही करना, ऐसा भी सारी GH खत्म, संडे की छुट्टी खत्म, हम मानसिक डिप्रेशन तक में आ गए हैं इतना ज़्यादा काम करते करते। 15-15 घंटे की ड्यूटी ANM बहन जी ने की है कोविड में, सर्वे से लेके कोविड वैक्सीनेशन तक, टारगेट कंप्लीट करना, चाहे 7 जून ही बच जाए सेशन साइड पे, 7-7 बजे तक। जब एक बार बताओ, एक लेडीज अपने घर बाहर, घर से बाहर रहेगी और 4-5 घंटे उसे जाने में भी लगेंगे घर पे, तो वो मानसिक डिप्रेशन में तो आ ही जाएगी। तो सैलरी कम होने की वजह से वो आर्थिक भी कमज़ोर ही रहेगी, तो हमारा परिवार भी टूट रहा है इस नौकरी में, और हम स्वास्थ्य की तरफ से भी कमजोर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना अगर काम करेंगे तो स्वास्थ्य भी हमारा खराब होगा। बनाने वाले काहे को नौकरी बनाई तूने, काहे को संविदा बनाई तूने, काहे को संविदा बनाई, करते ये वादे झूठे रोज है, करते ये वादे झूठे रोज है, करते काम होने पर याद न करते, काम होने पर ये याद न करते, संविदा की नौकरी में हमने है जान गवाई, काहे को संविदा बना। हमारे स्टाफ तो कुछ ये सैलरी कहना तो हम लोगों के लिए सही नहीं है, सैलरी सब मजदूरी है। हमारे तो मजदूरी से भी कम है, एक फट्टे के मजदूर का भी एक टाइम होता है, वो 9 बजे आता है, 5 बजे जाता है, उसमें भी 2 बार चाय पीता है, 1 घंटे का लंच भी करता है। एक मुझे कोई स्टाफ बता दो जो 1 घंटे का लंच पूरा कर रहा हो, या 5 बजे अपने घर जा रहा हो, 6 बजे से पहले कोई नहीं छुट्टी। और फिर एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि कोविड वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं है, एक तरफ हम लोगों पे दबाव बना रही है, 10 से 5 के बावजूद भी हमारी टीम 7 बजे तक काम कर रही है, 8 बजे तक काम कर रही है। कहाँ कहाँ से कर्मचारी जुड़े हैं, किस किस पोस्ट से कर्मचारी आपके घर में? पोस्ट तो इनडेफिनिट है, फिर भी बता सकता हूँ 8-10 तो मेरे याद ही है। ANM हमारे पास है, CHO हमारे पास है, LT है, LA है, डॉक्टर्स की टीम है, और ऑप्टोमेस्टिक है, टेक्निकल बंदे हैं, स्टाफ नर्स हैं, BPM, BCPM, BAM,
ऑपरेटर और भी दो चार तो एनटीसीएचओ मेनली सारे जो कम्युनिटी बेस्ड काम करते हैं हम सारे लोग सभी हैं यहाँ पर मौजूद। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो किस दिशा में जाएगा ये आंदोलन? बस अब होता है अनिश्चितकालीन है, देखो कहाँ जाता है। घर के रोड में आपने रेती है।